हेलो स्टूडेंट्स, देखो जो हमारा मेडिसिनल है, बायो मेडिसिनल आपका ये टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक मेडिसिनल, इसके अंदर हमने सेक्शन डी स्टार्ट किया था। विटामिन्स के नोट्स मैंने आपको सेंड किए थे, ठीक है। तो अब हम इसका सेकंड टॉपिक करेंगे, क्या है? बायो मिनरलाइजेशन, ठीक है। बायो मिनरलाइजेशन होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, मतलब क्या है, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मिनरल्स बाय टिश्यू। टिश्यूज़ के थ्रू जो हमारी बॉडी के अंदर मिनरल सिंथेसिस होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, कोई भी हमारे पास जो अर्थवर्म वगैरह होते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। इनका ये मतलब नहीं है कि केवल ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, देखो जो बायो मिनरलाइजेशन है वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस होते हैं, किसके थ्रू, टिश्यूज़ के थ्रू, और उन टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, मिनरलाइज टिश्यू, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में डेफिनेशन है, यहाँ पे सेम यही डेफिनेशन है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। ए प्रोसेस बाय विच लिविंग फॉर्म्स इन्फ्लुएंस द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल मटेरियल, मतलब जो मिनरल है उनके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस ही क्या कहलाता है, बायो मिनरलाइजेशन, ठीक है। इसकी ये फिर थर्ड डेफिनेशन है, द प्रोसेस क्रिएट हेट्रोजीनियस एक्यूमुलेशन कंपोज ऑफ बायोजेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास मिनरल्स बनते हैं वो बायोजेनिक भी हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर कार्बोनेट बनता है, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, सिलिकेट और सल्फेट, इन सभी के मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सिंथेसिस होते हैं। इट अक्कर्स एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बनते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है उनके बाहर की साइड इनकी फॉर्मेशन होती है, जो हमारी सेल वॉल है आउटर साइड में, ये वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। इंट्रा सेलुलर बायोमिनरलाइजेशन इन मिनरल फॉर्मेशन विद इन द सेल सच एज कैल्सिटेट, मतलब जो इंट्रा सेलुलर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी इंट्रा सेलुलर बायोमिनरलाइजेशन होगा वहाँ पे कैल्सिएट हमारा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो कैल्सिएट है उस मिनरल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये मेनली कहाँ पे होता है, जो हमारी एल्गी वगैरह है उनके अंदर होता है, ठीक है। फिर मिनरल सिंथेसिस है वो मेनली टू टाइप का है, BIM और BCM। BIM का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल इंड्यूस मिनरलाइजेशन, और BCM का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मिनरलाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास है कि BIM क्या होता है, BIM क्या है, बायोलॉजिकल इंड्यूस मिनरलाइजेशन। बायोलॉजिकल इंड्यूस मिनरलाइजेशन के अंदर क्या होगा, मिनरल फॉर्म बाय द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनवायरनमेंट, मतलब जो हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसकी और एनवायरनमेंट की इंट्रैक्शन के थ्रू जो मिनरल्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल इंड्यूस मिनरलाइजेशन, ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोड्यूस मिनरल, एक्स्ट्रा सेलुलरली इसके अंदर मिनरल फॉर्मेशन होती है, और देयर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर यूज, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स यूज में मतलब हेल्प करते हैं मिनरल्स की फॉर्मेशन में। कौन कौन से हो सकते हैं, माइकोराइजा भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर है हमारा BCM, ये BIM का एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है वो किसका एग्जाम्पल है, BIM का एग्जाम्पल है। यहाँ पे कैल्शियम 2+ की रिएक्शन किसके साथ हुई, कार्बोनेट के साथ, हमारे पास हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, और फिर हमारे पास क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे सिंथेसिस हुआ, ठीक है। फिर है हमारे पास इसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, कि इसमें जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनका कोई साइज नहीं होता, कोई उसकी मॉर्फोलॉजी नहीं हो सकती, हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर जो मिनरल्स बने हैं वो उसकी शेप क्या है, उसका साइज क्या है। फिर है BCM क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म, इसमें देखो कंट्रोल है, मतलब इसके अंदर जो मिनरल बनेंगे उनका साइज भी डेफिनेट होगा और उनकी मॉर्फोलॉजी भी डेफिनेट होगी। हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस, ये रेगुलेटेड प्रोसेस है, इसको हम अपने मतलब एक टाइम पर रेगुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब जो हमारे माइक्रोब्स एग्जर्ट एक्टिव कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट, मतलब जो माइक्रोब्स यूज में आते हैं इसके अंदर उनका एक एक्टिव कंट्रोल है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मिनरल्स का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे इसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एनवायरनमेंट के साथ इंट्रैक्शन नहीं होती, इसके अंदर सिर्फ इनर पार्ट है वही पार्टिसिपेट करता है मिनरल फॉर्मेशन के अंदर। इसके हमारे पास एग्जांपल है मैग्नेटोएक्ट और बैक्टीरिया, इसके अंदर माइक्रोब्स टू माइक्रोब्स है यहाँ पे मेंशन है, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स इसमें भी हेल्प करते हैं, डायटम्स है, मैग्नेटोएक्टिक बैक्टीरिया है, बहुत ये बैक्टीरिया इसके अंदर हेल्प करते हैं। फिर है हमारे पास इसका एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट फॉर्मेशन, मतलब जो हमारा फेरस ऑक्सलेट बनता है, सॉरी फेरस ऑक्साइड्स बनते हैं हमारे, वो इसके अंदर फॉर्मेशन होती है मैग्नेटाइट फॉर्मेशन। इट इज़ डन बाय मैग्नेटोएक्टिक बैक्टीरिया, इट कंटेन मेम्ब्रेन विच इज बाउंडेड इंट्रा सेलुलरली, मतलब इसकी इंटरेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट के साथ तो ये बाउंड होता है इंट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ ही, इसको ये बाउंड होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इससे जो हमारे मिनरल्स बनते हैं वो कंट्रोल मैनर में बनते हैं और उनकी शेप और फंक्शन डेफिनेट होता है। अब बायोमिनरलाइजेशन के सिग्निफिकेंस क्या है, इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन, इसको हम साइंटिफिक पर्पज से भी यूज करते हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर भी हम इसको यूज करते हैं। इट इज़ यूजफुल इन मेटल एंड रेडियो न्यूक्लाइड रिमूवल, मतलब जो हमारी मेटल है उनको रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे हमारे पास आयरन और मैग्नीज आयंस है उनको हम वाटर वेस्ट, मतलब वेस्ट वाटर है जो गंदा पानी है उससे हम इनको निकाल सकते हैं बाय मिनरलाइजेशन, ठीक है। फिर है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।